बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट को खैरियत से रखे और खुश रखे। आज की ये वाली वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो आप तमाम स्टूडेंट के लिए। जैसे जैसे आपके एग्जाम्स के दिन करीब आ रहे हैं, उतना मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं आप तमाम स्टूडेंट की हेल्प करूँ और आपको बताऊँ कि ये आप गलतियाँ क्यों करके आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते और बाज़ दफ़ा उन स्टूडेंट का पेपर भी चेक नहीं होता, उनका पेपर कैंसिल कर दिया जाता है। क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त हैं जो बोर्ड्स के अंदर हैं, पेपर को चेक करते हैं और वो मुझे बताते हैं कि स्टूडेंट्स ये गलतियां करके आ जाते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे नहीं आते और बाज़ दफ़ा उन स्टूडेंट का पेपर भी चेक नहीं होता, उनका पेपर कैंसिल कर दिया जाता है। आप कहते भी हैं कि हम सर गलतियां नहीं करेंगे, बड़े त्यागशार को होके जाते हैं, लेकिन फिर भी आप पेपर के अंदर ये गलतियां करके आ जाते हैं। स्टूडेंट्स आप खुद सोचें, आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या क्या नहीं कर रहे, एक एक रुपया कमाना कितनी मुश्किल काम है। स्कूल फीसेस, एकेडमीज की, स्कूल्स की, कॉलेजेस की फीसेस पे करते हैं पेरेंट्स अपनी औलाद के लिए बहुत कुर्बानियाँ देते हैं, लेकिन आप स्टूडेंट को कदर नहीं, एहसास नहीं अपने पेरेंट्स के, तो आपकी एक माइनर मिस्टेक की वजह से आपका पेपर कैंसिल हो सकता है, आप पेपर में फेल हो सकते हैं, फिर आप क्या करेंगे, पेरेंट्स को कितना दुख होगा। कभी सोचा आपने, आप खुद को पेरेंट्स की जगह पर रख के सोचें, आपकी औलाद कल को होगी तो आप अपनी औलाद के लिए क्या चाहेंगे, आप यही चाहेंगे कि हमारी औलाद पढ़े कामयाब बने, तो आपके पेरेंट्स भी आपके लिए यही चाहते हैं कि हमारी औलाद पढ़े और कामयाब बने और दुनिया उनको जाने, लेकिन आप स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, आपकी माइनर मिस्टेक की वजह से आप पेपर में फेल भी हो सकते हैं। तो मेरी तो हमेशा यही दुआ रही है कि आप स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए और अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट को कामयाबी अता फरमाए, मेरी तो हमेशा यही दुआ रही है। नंबर वन पे मैं आपको बताता हूँ, आप एक बहुत बड़ी गलती करके आ जाते हैं कि आप अपना पेपर के अंदर रोल नंबर सही नहीं लिखते। आप नर्वस होते हैं, जल्दी में होते हैं, परेशान होते हैं, आपको उस वक्त जो भी प्रॉब्लम पेश आ रही होती है, आप रोल नंबर लिखते वक्त रिलैक्स रहा करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, रोल नंबर की आपने गलती नहीं करनी, सौ बार आपने चेक करना, 100 बार तो चलो ज़्यादा हो गया, आपका आधा घंटा तो उधर वेस्ट हो जाना है, 2-3 बार आपने रोल नंबर को लाजमी चेक करना है, लेकर लाजमी चेक करना, रोल नंबर को आपने 2-3 बार आपने लाजमी चेक करना है। रोल नंबर आप गलत लिखेंगे तो आपका पेपर बच्चों चेक नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो रोल नंबर लिखते वक्त आपने रिलैक्स रहना है और रोल नंबर लिखते वक्त आपने 3-4 बार चेक करना है, रोल नंबर की आपने गलती बिल्कुल नहीं करनी। नंबर दो पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, और तो आपके पास एक क्वेश्चन पेपर आया, आप सारे का सारा क्वेश्चन पेपर को पढ़ना शुरू कर देते हैं और उनमें से कुछ क्वेश्चन उस वक्त आपको नहीं आ रहे थे, और फिर आपके माइंड के अंदर ये बात घूमने लग जाती है कि मुझे तो इनका आंसर नहीं आते, और फिर आपका सारे का सारा दिमाग उधर थक जाता है। क्वेश्चन पेपर पढ़ते वक्त आपका सारा दिमाग उधर थक जाता है, तो आप क्वेश्चन पेपर पूरे को रीड ना किया करें। स्टूडेंट मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन पेपर को आप रीड ना किया करें, जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो अल्लाह का नाम लें और लिख लें। इस तरह आप 5-6 क्वेश्चन को हल करेंगे, उनके आंसर लिखेंगे तो आपकी एक रिदन बन जाएगी। इस तरह फिर आप लिखते जाएंगे और पूरे का पूरा पेपर आप सॉल्व कर लेंगे और इस तरह आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो ये कुछ गलतियां थी जो आप स्टूडेंट्स करके आ जाते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये आप गलतियाँ ना करें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, अपने पेरेंट्स की स्टूडेंट कदर करें, उनकी खिदमत करें, जितना हो सके माँ बाप की खिदमत करें, और मेरी अगेन रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।